होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये भी ठीक बात है कि ग्लास स्किन बाय बर्थ मिलती है, लेकिन हम इसको अचीव कर सकते हैं। मैं समझती थी ग्लास स्किन को अचीव करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज आपको बताऊँगी कि बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से हम ग्लास स्किन किस तरह से अचीव कर सकते हैं। टॉपिक आपको पता चल गया होगा, आज का टॉपिक है कोरियन ग्लास स्किन के बारे में कि किस तरह से कोरियन की स्किन इतनी चमकती है, इतनी शाइन करती है। वो क्या ऐसी रूटीन को फॉलो करते हैं जो उनकी स्किन इस तरह की होती है। खैर, उनकी स्किन बाय बर्थ भी होती है, लेकिन यही स्किन हम अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। सो आज हम बात करेंगे कोरियन ग्लास स्किन की। पहले बात करते हैं बेसिक्स की। बेसिक्स में क्या चीज़ें शामिल होती हैं। आपकी स्किन टाइप चाहे कोई भी हो, बेसिक्स यही रहेगा, मॉइस्चराइज़र, क्लेंजर, सनस्क्रीन। जब भी हम अपनी स्किन पे कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं तो थिन से थिकेस्ट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम थिन प्रोडक्ट को अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद लास्ट में हम थिक प्रोडक्ट को अप्लाई करते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आए हुए हैं, जैसे AHA, BHA, रेटिनॉल, नियासिनमाइड, अल्फ़ा आर्ब्यूटिन, ये सब प्रोडक्ट मार्केट में आए हुए हैं। इसको लगाना किस तरह से, अब आप ये सोच रहे होंगे तो घबराना नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से अप्लाई करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्किन की टाइप्स कितनी होती हैं। स्किन की 4 टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारी ड्राई स्किन आ जाती है, सेकेंड हमारी ऑयली स्किन आ जाती है, थर्ड हमारी एक्नी प्रोन स्किन आ जाती है, एंड फोर्थ हमारी रिंकल स्किन आ जाती है। अब ये चारों स्किन जो हैं, इसमें किस किस तरह के प्रोडक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं, इसमें प्लस एंड माइनस मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी चीज़ें ऐड करनी है और कौन सी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलेगी आपकी स्किन के मुताबिक। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आप सबसे पहली बात करते हैं हम ड्राई स्किन के बारे में। आप कहते हैं ड्राई स्किन की, अगर आपकी स्किन खिंची खिंची महसूस होती है, चाहे गर्मियां हो चाहे सर्दियां हो, सर्दियों में बहुत ज़्यादा होती है ये स्किन, लेकिन गर्मियों में भी ये होती है। अगर आपकी स्किन बहुत खिंची खिंची महसूस होती है तो आपकी ड्राई स्किन है। अगर आपका टी जोन जो है वो ऑयली है और आपको यहाँ से बहुत ऑयल प्रोड्यूस होता हर वक्त लगता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, तो आपकी ऑयली स्किन है। अगर आपके स्किन पर बहुत खड्डे हैं, बहुत उभरी उभरी टाइप की स्किन है और आते जाते पिंपल आते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, तो आपकी एक्नी प्रोन स्किन है। अगर आपकी स्किन सैगी है, आपकी स्किन लटकी लटकी लूज लूज सी महसूस होती है, तो आपकी स्किन रिंकल स्किन है। तो सबसे पहले हम ड्राई स्किन के बारे में बात करते हैं कि ड्राई स्किन पे कौन से प्रोडक्ट को अप्लाई किया जा सकता है और किन चीज़ों को उसके साथ ऐड करके अपने स्किन को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले ड्राई स्किन वाले क्लेंजर कौन सा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको शुरू में बताया कि कोई भी स्किन टाइप हो, बेसिक सेम ही रहेंगे, क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन। तो सबसे पहले ड्राई स्किन वाले क्लेंजर जो यूज़ करेंगे वो मिल्क क्लेंजर यूज़ करेंगे, ताकि उनकी स्किन बहुत हाइड्रेट हो सके। देन वो टोनर यूज़ कर सकते हैं, ककम्बर जूस का निकाल के टोनर यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे मेन आ जाता है ड्राई स्किन के लिए हेलोरोनिक एसिड, बहुत ही ज़रूरी है हेलोरोनिक एसिड ड्राई स्किन वालों के लिए, क्योंकि हेलोरोनिक एसिड आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है, मॉइस्ट करता है आपकी स्किन को। अच्छा, हेलोरोनिक एसिड का मैं आपको ऑल्टरनेट बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे। हेलोरोनिक एसिड का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये होता है कि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्ट रखता है। तो पुराने ज़मानों में हम यूज़ करते थे ग्लिसरीन, लेकिन ग्लिसरीन हेलोरोनिक एसिड का ऑल्टरनेट है। अगर आपके पास हेलोरोनिक एसिड नहीं है तो आप ग्लिसरीन भी अपने फेस पर अप्लाई करते हैं और हेलोरोनिक एसिड के सेम रिज़ल्ट आपको ग्लिसरीन से मिलेंगे। तो अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप इसको ग्लिसरीन से इसका अल्टरनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ मॉइस्ट करना है स्किन को। ग्लिसरीन भी आपके स्किन को वही मॉइस्चराइज़र फराम करेगी, वही प्रोवाइड करेगी आपकी स्किन को मॉइस्चर जो आपको हेलोरोनिक एसिड दे सकता है। सो अब बात करते हैं लास्ट में सनस्क्रीन की। अच्छा, आपको पता है कि इतनी वाइट कास्ट क्यों होती है सनब्लॉक में, सनस्क्रीन में? क्योंकि जितना ज़्यादा SPF मौजूद होगा सनस्क्रीन में, 70 होगा, 100 होगा, 50 होगा, उसी ही तरह से आपकी स्किन पे वाइट कास्ट आएगी। अगर आपकी सनस्क्रीन में SPF ज़्यादा है तो वाइट कास्ट आपकी स्किन पर ज़्यादा आएगी।
तो आप ड्राई स्किन वालों ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करो जिस क्रीम में, जिस सीरम में, जिस टोनर में हेलोरोनिक एसिड या ग्लिसरीन वगैरह मौजूद हो, तो आप वो वाले प्रोडक्ट परचेज करो ताकि आपकी स्किन मजीद हाइड्रेट रहे। सो ड्राई स्किन वालों आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, सनस्क्रीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सो डोंट फॉरगेट सनस्क्रीन। सेकेंड हम बात करेंगे रात में ड्राई स्किन वाले क्या करें, तो रात में सनस्क्रीन को हटा के कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। मैंने आपको पहले बताया है कि हमने प्रोडक्ट हमेशा थिन से स्टार्ट करनी है और थिकेस्ट की तरफ जाना है, तो सबसे पहले हमने थिन प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई किया, देन हम थिकेस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जब हम एंड में लगाते हैं तो हमारी स्किन की तमाम चीज़ों को जो हमने स्किन पर लगाई होती हैं वो उसको लॉक कर देता है। सो हमने लास्ट में मॉइस्चराइज़र लगाना है ताकि हमने स्किन पे अपनी जो भी लगाया हो वो हमारी स्किन में लॉक हो जाए। सो ड्राई स्किन वालों आपने रात में अच्छा सा मॉइस्चराइज़र सनस्क्रीन की को हटा के आपने इसमें ऐड कर लेना है, या कोई भी नाइट क्रीम जो आप यूज़ करें। हम बात कर रहे थे कि कोरियन जो है वो अपनी स्किन केयर दिन में कितनी दफ़ा करते हैं, तो वो 2 से 3 दफ़ा अपनी स्किन केयर करते हैं, देन सनस्क्रीन भी जो है वो 2 से 3 दफ़ा दिन में अप्लाई करते हैं। बेशक उनको बाय बर्थ मिली होती है उनकी स्किन, लेकिन वो अपनी स्किन का बहुत ख्याल रखते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन जो है वो मेंटेन रहती है। सो हम भी 2 से 3 दफ़ा अपनी स्किन केयर करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें, तो हम भी ऐसी स्किन पा सकते हैं। अब सेकंड बात करते हैं ऑयली स्किन, ऑयली स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज़ होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ऑयली स्किन के बारे में, तो ऑयली स्किन वाले क्लिंजर कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ऑयली स्किन वाले क्लिंजर जो है वो वाटर बेस्ड क्लिंजर, फोमिंग क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं, टोनर में वो नियासिनमाइड, टी ट्री ऑयल, रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। मॉइस्चराइज़र में आप जो है वो राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं, या आप ये सब प्रोडक्ट किसी भी क्रीम, किसी भी नाइट क्रीम या कोई भी मॉइस्चराइज़र में ढूंढ लें तो वो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन मज़ीद बेहतर हो सकती है। रात में आपने सनस्क्रीन आपने हटा देना है और रात में इसी में ही मॉइस्चराइज़र ऐड करना है। मॉइस्चराइज़र आप वो ढूंढ लें जिसमें राइस वाटर, नियासिनमाइड ये सब चीज़ें मौजूद हों ताकि आपकी स्किन इससे बेहतर रहे। तो अब बात कर लेते हैं एक्नी प्रॉन स्किन के बारे में। एक्नी प्रॉन स्किन वाले नियासिनमाइड, हेलोरोनिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, ये सब जो हैं एसिड वो यूज़ कर सकते हैं। एक्नी प्रॉन स्किन वाले अगर आपकी स्किन पे बार बार पिंपल्स आते हैं, बार बार पिंपल्स जाते हैं, आपके स्किन पर गड्ढे हैं, स्पॉट्स हैं, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ लें जिसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हों, सो आप ये वाले प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके क्लिंजर के बारे में कि क्लिंजर हमने कौन सा यूज़ करना है जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड हो, नियासिनमाइड हो, विटामिन सी मौजूद हो, तो ऐसे क्लिंजर आप यूज़ कर सकते हैं। टोनर में रोज़ वाटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सनस्क्रीन भी आपको इसी ही टाइप की अप्लाई करनी है जिसमें सैलिसिलिक एसिड मौजूद हो, नियासिनमाइड मौजूद हो, तो आप अपनी स्किन पे ये सब चीज़ें अप्लाई करके आपकी एक्नी जो है वो बहुत हद तक काम हो जाएगी। सो आप ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करें कि ये सब चीज़ें आपके स्किन के प्रोडक्ट में शामिल हों तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिले। अच्छा, तो सबसे अहम बात एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए कि वो कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें तो वो वाले प्रोडक्ट का इंतखाब करें जिसमें नॉन केमेडोजेनिक मेंशन हो, चाहे वो सनस्क्रीन हो, चाहे वो मॉइस्चराइज़र हो, चाहे वो आपकी नाइट क्रीम हो। आप ये एक्नी प्रॉन स्किन वालों के लिए जितने भी ये प्रोडक्ट्स होते हैं नॉन केमेडोजेनिक मेंशन होता है, तो आपने उस चीज़ उसको लेना है ताकि नॉन केमेडोजेनिक से असल में ये होता है कि आपके स्किन के पोर्स जो है वो लॉक नहीं होते तो आपको एक्नी दोबारा नहीं आती। तो आप इंतखाब करें नॉन केमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स का। आप अपने क्रीम में, आप अपने सीरम में ये मेंशन होता है, आप इसको देख लें, फिर आप यही वाले प्रोडक्ट को अप्लाई करें जिसकी वजह से आपके पोर्स क्लॉक नहीं होंगे, आपकी एक्नी दोबारा से नहीं छिड़ेगी। एक्नी प्रॉन स्किन वाले नाइट में रेटिनॉल भी अप्लाई कर सकते हैं। रेटिनॉल का असल में मेन मकसद ये होता है कि वो आपके स्किन को पील करता है। रेटिनॉल आप 0.025% का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, रेटिनॉल आपने हफ्ते में एक ही दफ़ा अप्लाई करना है। अगर आप इसके पुराने यूज़र्स हैं तो आप अल्टरनेट डे पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगनर हैं रेटिनॉल के लिए तो आप हफ्ते में एक ही दफ़ा इसको यूज़ करें।
क्योंकि रेटिनॉल जो है वो हमारे स्किन की ऊपरी लेयर को हटाता है। रेटिनॉल के बाद मॉइस्चराइज़र बहुत अहम होता है, क्योंकि रेटिनॉल का काम ही होता है कि वो हमारी स्किन को मज़ीद ड्राई कर देता है। अगर एक्नी प्रोन स्किन वाले रेटिनॉल को अपने फेस पर अप्लाई करेंगे तो उनकी एक्नी ड्राई होगी और आपकी एक्नी जो है वो क्योर होगी। सेकंड ये कि रेटिनॉल हमेशा रात में लगाना है, दिन में नहीं लगाना, वरना स्किन मज़ीद बिगड़ सकती है। तो रेटिनॉल जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेटिनॉल ऑल्टरनेट डे पर लगाना है और रेटिनॉल सिर्फ रात में लगाना है। इसके बाद बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन वाले भी रेटिनॉल को ऑल्टरनेट डे पर यूज़ करेंगे, या अगर आप न्यू यूज़र्स हैं तो हफ्ते में सिर्फ एक ही दफ़ा रेटिनॉल यूज़ करना है, उसके बाद हैवी सम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, देन फिर सो जाना है। अगर आप 20s के हो गए हैं तो आप अपनी स्किन केयर स्टार्ट कर दें, क्योंकि 20s की एज के बाद हमारे स्किन पर माइल्ड से रिंकल्स आने लगते हैं जो वो उस टाइम महसूस नहीं होते, लेकिन आगे जाके हमें महसूस होने लगते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट भी रिकमेंड करते हैं कि 25 के बाद आपने बहुत स्ट्रॉन्ग स्किन केयर अपनी स्टार्ट कर देनी होती है। खैर मुझे तो इस बारे में नहीं पता था पहले, ये है कि अब मुझे जैसे जैसे पता चल रहा है मैं अपनी स्किन केयर पर बहुत तवज्जो दे रही हूँ। सो आप भी अपनी स्किन केयर स्टार्ट करें, और स्किन केयर स्टार्ट करें ताकि कोरियंस की स्किन इतनी ग्लो इसलिए करती है कि वो कंसिस्टेंस रहते हैं। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप चाहते हैं अपनी स्किन को इस तरह से ग्लो करना और इस तरह से एकदम प्लम सी स्किन के आप अपनी स्किन को चाहते हैं तो आपने स्किन केयर अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी है। बात करते हैं रिंकल स्किन के बारे में, तो रिंकल स्किन वालों के लिए विटामिन ई, विटामिन सी बहुत अहम है। ये जिन भी प्रोडक्ट में हो, चाहे आपका क्लेंजर हो, चाहे आपका सीरम हो, चाहे आपका मॉइस्चराइज़र हो, ये आपकी प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए। विटामिन सी, विटामिन ई आपके प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए। ये सब प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट आपको बेहतर मिलेंगे, आपके स्किन जो है ये टाइट करेगा, फॉर्म करेगा। सो ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब करें जिसमें ये सब चीज़ें मौजूद हों। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि पिंपल्स के लिए हम क्या यूज़ करें और रिंकल्स के लिए हम क्या यूज़ करें, एक्नी प्रॉन्स के लिए क्या यूज़ करें, ड्राई स्किन वालों के लिए क्या यूज़। पोर्स के लिए हम यूज़ करते हैं नियासिनमाइड, पिंपल्स स्पॉट्स के लिए हम विटामिन सी यूज़ कर सकते हैं, देन रिंकल्स के लिए हम रेटिनॉल यूज़ कर सकते हैं, सैलिसिलिक एसिड हम पिंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। ये सब प्रोडक्ट हम अपने प्रोडक्ट में देखकर हम अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे ताकि ये सब चीज़ें हों ताकि हमारी स्किन मज़ीद बेहतर रह सके। देन रिंकल स्किन के लिए रेटिनॉल बहुत अहम है। आपने रेटिनॉल को अप्लाई करना है, ये हमारी स्किन को फॉर्म करेगा। रेटिनॉल रिंकल फ्री स्किन 0.025 रेंज का आप ले लें और अपनी स्किन पर अप्लाई करें। इसके बाद बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है, देन आपने सो जाना है। सो ये सब स्किन टाइप थी और ये सब प्रोडक्ट थे जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। ग्लाइकोलिक एसिड, विटामिन सी, AHA, BHA ये सब जो होते हैं ये एसिडिक एसिड होते हैं। ये हमारे स्किन के pH लेवल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। pH लेवल बेसिकली होता क्या है कि जब एसिडिक प्रोडक्ट जब हम अपनी स्किन पर लगाते हैं तो हमारा pH बैलेंस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है हमारी स्किन का, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं नियासिनमाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल, ये सब जो प्रोडक्ट हैं वो एसिडिक होते हैं। इसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र को अप्लाई करना होता है, टोनर को अप्लाई करना होता है, तो हमारे स्किन का pH लेवल जो है वो बैलेंस में रहे, बैलेंस हो जाए। सो रिंकल्स हैं तो रेटिनॉल लगाओ, पिगमेंटेशन है तो भी रेटिनॉल लगाओ, विटामिन सी लगाओ, रिंकल स्किन वाले विटामिन ई को यूज़ करें, नियासिनमाइड को यूज़ करें, स्किन के जिनके पोर्स हैं या एक्नी प्रोन स्किन है तो वो नियासिनमाइड को यूज़ करें, सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें और शीट मास्क लगाओ। शीट मास्क बाहर मार्केट में बहुत से अवेलेबल हैं, वो लगाओ। देन अगर आप बाहर का शीट मास्क नहीं लेना चाहते तो घर में ही शीट मास्क बना सकते हो। एलोवेरा लो और ग्लिसरीन लो, दोनों को मिक्स करो और वो अपने फेस पर अप्लाई कर लो। चाहो तो टिश्यू से जो है वो अपने फेस को कवर कर लो ताकि जो है वो मॉइस्चर आपके स्किन में लॉक रहे। अगर आप चाहते हो कि मैं ये जितने भी आपको मैंने आज स्किन की टाइप बताई ये मैं आपको होममेड तरीके से बताऊं, इसकी ये प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट मैं अगर होममेड तरीके से करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ कि आपकी स्किन टाइप क्या है और आपको कौन सी स्किन टाइप के लिए होममेड चीज़ें चाहिए। सो आई होप वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी, आई नो वेरी वेल।
सो वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लगा रही हूँ, यहाँ ऊपर भी मेंशन हो रहा है, तो आप जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। सो वीडियो के साथ बने रहिएगा, ऐसी बहुत मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद हैं और मज़ीद लेकर आऊँगी मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आई है तो उसको प्लीज़ लाइक कर देना। सो चलती हूँ, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।